तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत के खुमारी में डूबे राहुल गांधी और संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार को घेरने की मंशा को उस वक्त करारा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए जांच की सभी याचिकाएं खारिज कर दी। राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को देश की जरूरत बताते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों की कीमतों पर निर्णय लेना अदालत का काम नहीं है। हमें फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यूपीए की तुलना में 3 गुना अधिक कीमत देकर राफेल विमान का सौदा किया है, जिस पर अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी है। वहीं कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि मेरा मानना है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरी तरह गलत है। हम पुनर्विचार याचिका दायर करने की संभावनाओं पर जल्द ही निर्णय ले सकते हैं। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कोर्ट के फैसले पर कहा, शुरुआत से ये बिल्कुल साफ मामला था। हम लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगेंगे। एनडीआई पॉकेट टीवी के लिए रचना मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।